आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राहुल गांधी दाढ़ी साफ करें तो नेहरू जैसे दिखेंगे, असम के सीएम ने सद्दाम वाले बयान पर दी सफाई, कहा मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। पीएम मोदी का आरोप, कांग्रेस सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में सशस्त्र बलों के हाथ बांध रखे थे। रिटायर होंगे जनरल बाजवा, नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सौंपेंगे बैटन ऑफ कमांड। रोमांचक मुकाबले में जीता घाना, 3 मिनट में 2 गोल मारकर भी हारा कोरिया। इजरायली फिल्म मेकर ने कश्मीर फाइल्स को अश्लील बताया, इजरायल के राजदूत ने फटकारा बयान पर शर्मा दी है। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पूनेवाला पर तलवार से हमले की कोशिश की गई है। बता दें कि श्रद्धा वाकर का हत्यारोपी आफताब रोहड़ी एफएसएल लैब से पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाया गया था, इसी दौरान हिंदू सेना के सदस्यों ने हमला कर दिया। मामला बढ़ते देख पुलिस को बंदूक निकालनी पड़ी और पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं रोहड़ी एफएसएल के लैब के बाहर हिंदू सेना के गिरफ्तार सदस्यों का कहना है कि वो सुबह 8 बजे से ही आफताब पूनेवाला का इंतजार कर रहे थे। हमलावरों का कहना है कि आफताब जेल में भी जाएगा तो वहां भी उस पर हमला करेंगे, उसे गोलियों से भून देंगे। अलीगढ़ की इगलास में हिमाचल की नकली दवा की सप्लाई को लेकर हिमाचल, लखनऊ, आगरा व अलीगढ़ की ड्रग्स विभाग की टीम ने इगलास के मुरारी मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करते हुए संदिग्ध दवाएं बरामद की हैं, जिसके बाद टीम द्वारा सभी संदिग्ध दवाओं को जांच करने के लिए सील किया गया है। अब तक इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। छापेमारी टीम ने हिमाचल फोर्स के साथ ड्रग इंस्पेक्टर अनूप ठाकुर, लवली आगरा के ड्रग्स इंस्पेक्टर कपिल शर्मा, अलीगढ़ के ड्रग्स विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर पूरन चंद्र, ड्रग्स इंस्पेक्टर हेमेंद्र चौधरी के साथ साथ इगलास पुलिस भी तैनात रही। पूर्वी हिमाचल प्रदेश में कुछ लोगों के द्वारा नकली ब्रांडेड औषधियों का निर्माण करके मार्केट में बेचा जा रहा है। उसी क्रम में यह फीडबैक मिला था कि उनके द्वारा सप्लाई आगरा में भी की गई है, अलीगढ़ में भी की गई है और अलीगढ़ के अलावा कुछ कस्बे जैसे इगलास में भी की गई है। उसी पर आज ये हमने मुरारी मेडिकल स्टोर पर ये कार्रवाई की गई है। इसमें हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के 3 ड्रग इंस्पेक्टर, आगरा के ड्रग इंस्पेक्टर, अलीगढ़ के ड्रग इंस्पेक्टर, पूरी टीम यहाँ पर कार्रवाई चालू की हुई है। अभी तक जो हिमाचल प्रदेश में जो दवाइयाँ नकली पकड़ी गई थी वो तो हमें हाथ नहीं आई है। रायबरेली के बछरावा में डीएम प्रयागराज की खड़ी गाड़ी में तेज रफ्तार मारुति वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में डीएम की गाड़ी का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, गंभीर हालत में सीएचसी में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार कौशल, एनेस्थेटिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा, जिला रायबरेली। अभी सड़क दुर्घटना में अजय यादव नाम के व्यक्ति हमारे यहाँ घायल अवस्था में आए, जिनकी बाहों में चोट थी और सर पे थोड़ी चोट थी। जी उनकी हालत सही है। अच्छा, क्या घटना क्या हुई थी डॉक्टर साहब? घटना हमारे यहाँ ये लोगों द्वारा पता चल रहा है कि ये कार एक्सीडेंट हुआ।
रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव मिला है। विवाहिता के परिजनों ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक 6 महीने पहले विवाहिता की शादी हुई थी। इसके साथ ही परिजन पुलिस की लचर कार्यशैली से नाराज होकर शव रख कर हंगामा काटे और अंतिम संस्कार करने से परिजनों ने मना कर दिया। कहाँ के रहने वाले? नाथखेड़ा। क्या घटना हुई है? फांसी लगा के मैं लड़के को मार दिया। कौन मारा है? इसका पति। अच्छा, तो क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज? हमारा एप्लीकेशन नहीं लिया गया। अच्छा, कौन नहीं लिया एप्लीकेशन? क्या हुआ? एप्लीकेशन लिए हम लोग थाने जा रहे थे। अच्छा, नहीं आप क्या हुआ, अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? तो कुछ सूचना नहीं मिली। अच्छा, प्रदर्शन कर रहे हैं? काहे प्रदर्शन कर रहे हैं? कर रहे हैं कि एप्लीकेशन हमारा नहीं। कौन नहीं लिया एप्लीकेशन? थाने में नहीं लिया गया। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे कुछ नहीं। मांग कुछ नहीं है, हमको मुलजिम चाहिए। कौन कौन है मुलजिम? मुलजिम देशराज है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए करा जा रहा। वहाँ से पुलिस वाले घर से साथ कोई फोन कर दिया कि वो लोग जा रहे हैं, वहाँ पे रोक लगाओ। घर से निकलते के साथ यहाँ रोक लगा रहे हैं पुलिस वाले। वहाँ पे थाने जा रहे, थाने मिट्टी जाने दे रहे। क्या मांग है आपकी? हमारे लोग मांग कर रहे हैं, लोगों को आप यहाँ पे लाइए थाने, सबको पकड़ के। हमका न्याय चाहिए, पूरे न्याय चाहिए। रायबरेली के जगतपुर कोतवाली क्षेत्र में करौती के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगतपुर में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। कानपुर में पुलिस ने छात्रा को परेशान कर रहे शोधो को धर दबोचा। शोधो ने छात्रा को शादी नहीं करने पर उसके टुकड़े कर जंगल में फेंकने की धमकी दी थी। उसने छात्रा के परिजनों को धमकाया था कि वह उनकी बेटी को घर से उठा ले जाएगा। पीड़ित परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी युवक ये हरकत कर चुका है। अब एक बार फिर उसने छात्रा के टुकड़े टुकड़े करने और जंगल में फेंकने की धमकी दी है। पीड़ित परिजनों ने एक बार फिर पुलिस से मामले में शिकायत की, जिसके बाद अधिकारियों के आदेश पर पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना नौबस्ता में दिनांक 16 अक्टूबर को मोहम्मद फैज नामक एक व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया, जिसके संबंध में थाना नौबस्ता पर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इस दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि उक्त व्यक्ति की आम शोहरत अच्छी नहीं है और वह एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इस दौरान उसने उक्त पीड़िता पर पुनः दबाव बनाना शुरू किया और जान से मारने की धमकी भी दिया। इसके संबंध में कल उनके पिता द्वारा थाना नौबस्ता पर एक तहरीर दी गई, जिसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया और कल ही मोहम्मद फैज की गिरफ्तारी थाना नौबस्ता द्वारा कर ली गई है और उनको उसमें रिमांड लेकर जेल भी भेज दिया गया है। अलीगढ़ में बीते दिनों दिनदहाड़े हुई मुरादाबाद बजरंग दल के नेता की गोली मारकर हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं बजरंग दल नेता की हत्या के गोली मारने वाले आरोपी प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में बजरंग दल नेता कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और जिहादियों का एक पुतला दहन किया गया। दल के प्रखंड संयोजक विशाल जी को सरेआम गोली मार के जिहादियों ने, एक जिहादी बिलाल ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी है। उस हत्या के विरोध में अलीगढ़ महानगर बजरंग दल द्वारा उस जिहादी का, उस हत्यारे का और उस जैसी मानसिकता रखने वाले ऐसे सभी जिहादियों का एक पुतला, सांकेतिक पुतला यहाँ पुतला दहन किया गया है बजरंग दल महानगर अलीगढ़ द्वारा। और इस पुतले के द्वारा हम जिहादियों को, उन हत्यारों को, हिंदुओं के हत्यारों को और बजरंग दल के कार्यकर्ता के हत्यारे को ये चेतावनी देना चाहते हैं, उस जैसी मानसिकता रखने वाले और भी लोग समझ जाएं कि आज ये पुतला दहन किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में बहुत जल्दी, और हम दूसरी घटना का इंतजार नहीं करेंगे कि दूसरी घटना होगी जब ऐसा कुछ होगा। जब भी अगर लगेगा हमको कि हमारे हिंदुओं के ऊपर, हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता के ऊपर ऐसा घात होने वाला है और अगर बजरंग दल को किसी प्रकार की सूचना मिली तो इस पुतले की जगह उस जिहादी को ही जिंदा जला दिया जाएगा चौराहे पर।
लखनऊ में राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनिवास यादव ने बताया कि थाना बख्शी का तालाब के भ्रष्ट थाना अध्यक्ष और उनकी टीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई, जिसको लेकर हजारों की संख्या में यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आता देख जिला प्रशासन आनन फानन में यूनियन के केंद्रीय कार्यालय और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और पुलिस आयुक्त से फोन के माध्यम से वार्ता कराई, लेकिन बात ना बनती देख मौके पर डीसीपी एसएम कासिम आबदी तथा एसपी आशुतोष कुमार को भेजा गया, जिन्होंने यूनियन के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि आप लोग थाने का घेराव ना करें। उन्होंने कहा कि यूनियन के द्वारा सभी पांच सूत्री मांगों को लेकर थाना बख्शी का तालाब के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो भी शिकायतें की गई हैं उनके अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए 2 दिन के भीतर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा मैं मेरी यूनियन तरफ से जिले की यूनिट हमारी है लोकेश यादव जिला से, इनके नेतृत्व आज कार्यक्रम था और बख्शी का तालाब थाने पे इंस्पेक्टर खिलाफ और 3 दरोगा और थे उनके खिलाफ था, जिन लोगों पे गंभीर आरोप थे। इन लोगों ने जो है जनता से पैसे लेकर किसानों को परेशान करते हैं, फुटेज आई थी, इसके आधार पर कार्रवाई की हम लोगों ने मांग की थी। उनको समय दिया था 25 को, फिर हुआ अगर 25 तक कार्रवाई नहीं होगी तो 28 को हम धरना देंगे। हरदोई में थाना बहटा गोकुल के ग्राम चंदूपुर खैराई में बंद पड़े मकान में प्रेमी युगल के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले हैं। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन उनके परिजन शादी के लिए राजी नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। ये ग्राम चंदूपुर खैराई है, थाना बैठा गोकुल का। इसमें प्रातः एक लड़का एक लड़की फंदे से लटके हुए पाए गए हैं लड़की के चाचा के घर में। प्रेम संबंध का मामला लग रहा है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से। प्रयागराज के संगम तट पर जनवरी से लगने जा रहे माघ मेले का त्रिवेणी के तट पर प्रशासन की ओर से गंगा पूजन किया गया। मेला प्रशासन इस बार ग्रीन माघ मेले के रूप में मेले का आयोजन करने वाले हैं। माघ मेले में इस बार कई नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं, जिसमें मेले की व्यवस्था को डिजिटल स्वरूप देने की कोशिश की गई है। माघ मेला 1923 में हम लोगों ने पुलिस का व्यापक प्रबंध किया है, हमारे डीजी सर, आईजी जोन सर और ये एसएसपी सर के निर्देशन में सारा इसका प्लानिंग बना दिया गया है। हम उसका कंप्लायंस करने के लिए भी मेरी भी पोस्टिंग हो गई है। अब इसमें हर बिंदु को देखते हुए, हर पहलू को देखते हुए, यहाँ चाहे वो यातायात व्यवस्था हो, चाहे वो पार्किंग हो, या यहाँ का यात्रियों का आवागमन हो, यहाँ की यात्रियों की सुरक्षा हो, महात्माओं की सुरक्षा हो, सभी को ध्यान में रख के व्यापक रणनीति बना ली गई है। हमारे इसमें थाने स्थापित हो रहे हैं, चौकियाँ स्थापित हो रही हैं, फायर सर्विस का इंतजाम किया जा रहा है, जल पुलिस की व्यवस्था हुई है। इसी प्रकार सारी व्यवस्थाएँ लगभग पूरी की जा चुकी हैं और इसमें हम जो अन्य सुविधाएं जो हमारी बची हैं जो उनकी भी व्यवस्थापना शीघ्र कर दी जाएगी। पुलिस लाइन का काम भी लगभग पूरा हो गया है, थाने का काम भी प्रारंभ हो गया है। इस प्रकार जैसे ही हमारा 3 चरणों में फोर्स आएगा, एक तो 10 दिसंबर को आना है, एक 20 दिसंबर को आना है, एक 25 दिसंबर को हमारा समस्त फोर्स आ जाएगा, हम सारा फोर्स लगाकर मेले के त्रुटि रहित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर लेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।